फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। एंड आज किस व्लॉग के अंदर तो मौसम पता नहीं कैसे सा हो रहा है। देखो अभी तो हो रहा है कुछ मौसम ऐसा, हाँ नॉर्मल सा ही है। पहले था थोड़ा सा खराब, येलो येलो सा हुआ पड़ा था, बारिश भी आ रही थी, पर अब तो बारिश बंद हो गई। अभी तो मैं समझ नहीं पा रहा माइनक्राफ्ट खेलूं या क्या करूं। चलो माइनक्राफ्ट खेल यार, अब छोड़ दो माइनक्राफ्ट, अब खेल नहीं सकती क्योंकि रात हो रही है एंड रात के टाइम सब लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो अभी तो मैं वीडियोज देखता हूँ। देखो मैंने कह तो दिया था कि मैं वीडियोज देखूंगा, बट मैंने वर्ल्ड ही बना लिया एंड उसका नाम मैंने पहले तो रखा शायरी चाहे, फिर बाद में मैंने सोचा कि नाम अच्छा नहीं है तो मैंने उसको कर दिया शेरीज वर्ल्ड। एंड शेरीज वर्ल्ड नाम रखने के बाद मैंने किया डिफ़िकल्टी पीसफुल, शो कोऑर्डिनेट्स ऑन, सिमुलेशन डिस्टेंस को फुल, और जितने भी एक्सपेरिमेंट्स थे एक एक करके मैंने सबको कर दिया ऑन। एंड इनको ऑन करने के बाद मैंने किया वर्ल्ड को क्रिएट। एंड वर्ल्ड क्रिएट होने के बाद मैं जोर से नीचे गिरा एंड आते ही मैंने सबसे पहले माइन की वुड, एंड वुड माइन करते करते हो गया था मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम, जिसके बाद मेरे साथ अच्छी खासी वुड आ गई थी। मैंने बनाया उनसे प्लैंक्स, प्लैंक से बनाया क्राफ्टिंग टेबल एंड फिर और प्लैंक्स लिए और उनसे मैंने बनाई एक क्या कहते हैं भाई स्टिक्स, और बहुत कुछ सामान वगैरह बनाया था मैंने। एंड उन सबको बनाने के बाद मैंने बनाया माइनक्राफ्ट का राजा, मतलब मैं उसे राजा मानता हूँ पिकैक्स। एंड फिर मैंने सोचा कि चलो डिग डाउन करता हूँ एंड बहुत मेहनत करने के बाद मेरे को फाइनली स्टोन मिली गए एंड मैंने स्टोन्स को जल्दी जल्दी से माइन किया क्योंकि मेरे को उस टाइम इतनी खुशी हो रही थी कि मैं सोच ही नहीं पाया। तो फिर मैं करता गया करता गया करता गया और जब तक मैं पहुंचता हूँ तब तक के लिए आप लोग भी देखते रहो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। एंड मैं करता गया करता गया करता गया, बट मैं करता ही क्यों जा रहा हूँ, क्यों नहीं रहा। एंड फिर करने के बाद मेरा थोड़ा सा सोचा कि चलो ऊपर वापस दौड़ जाता हूँ, तो फिर बाद में मैंने कहा नहीं यार ये इससे एक साइड को खाली क्यों छोड़ा है। फिर बाद में मैंने इसको भी माइन करना स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद मेरे पास 30 कुछ कॉबल स्टोन आ गए थे। फिर अब मेरे को एक बात का हो गया था खुशी कि अब मेरे को किसी बात की प्रॉब्लम है नहीं। तो फिर मेरी पिकैक्स तो गई थी टूट, तो फिर हम लोग ऊपर जा रहे थे बट मैं रास्ता भूल गया। तो फिर रास्ता पता करने के बाद मैं ऊपर गया एंड ऊपर चलकर मेरे पास एक ब्लॉक फिर से कम रह गई। एंड फिर बाद में मैंने एक डर्ट वहाँ पर प्लेस करके आ गया बाहर। फिर थोड़ा सा आगे को गया, वहाँ पर मैंने प्लेस किया अपना क्राफ्टिंग टेबल, वहाँ पर चलकर मैंने बनाई एक स्वॉर्ड और एक पिकैक्स। एंड वो सब कुछ बनाने के बाद मैंने उठाया अपना क्राफ्टिंग टेबल एंड फिर उसके बाद मैंने सोचा यहीं रुकूँगा, पर नहीं, मैंने सोचा कि चल थोड़ा सा आगे चलता हूँ। एंड पहले तो मेरे को लगा कि आगे मेरे प्लेन्स है बट नहीं। एंड फिर साइड में मेरे को दिखा हमारा मोतू सब पांडा, जिसके पास मैं गया जी पता नहीं इतना गुस्से से मेरे को क्यों देखे जा रहा था, और पहली बात तो मेरी और देख ही नहीं रहा था, इसकी शक्ल मेरे को बड़ी डरावनी लग रही थी। तो फिर मैं गया थोड़ा सा आगे, तो फिर मैंने कहा पानी तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा स्नान करते टाइम करता हूँ। तो फिर मैं रास्ते में मिला और प्याली प्याली सी मछलियों से, तो फिर मछलियों से मिलने के बाद मैं चला आगे। आगे चलते ही मेरे को सबसे पहले वहाँ पर मिले पेड़ और कुछ बाम्बू, और मैंने सोचा कि चलो ये बात तो अच्छी है, अब मैं अपने उसको टेम कर सकता हूँ पांडू को। तो फिर मैंने एक सेकंड के अंदर अभी उसका नाम भी रख लिया था, बट फिर हो गया कुछ ऐसा, आप लोग खुद ही जाकर देखो। अब जो मैंने सोचा था वैसा तो हुआ नहीं, क्योंकि जैसे ही मैंने उसको माइन किया तब भी हमारा सर्वश्रेष्ठम, अरे नहीं अरे तो गलत नाम हो गया, हमारा पांडू वहाँ से पता नहीं कहाँ पर भाग गया था। फिर बाद में जब मैं वहाँ से भागता भागता खुशी से गया कि चलो अब तो मेरा पांडू मिल जाएगा, बट वहाँ पर पांडू मिला ही नहीं, वहाँ पर तो हमें पिग ही मिल गए। उसको देखकर मैंने उनसे एक ही बात निकली एंड फिर उस बात के निकलने के बाद मैंने सोचा कि इन्होंने उसके ऊपर कोई जादू टोना किया होगा या वो यही तो नहीं, इसीलिए मैं थोड़ा सा भागा और भागता रहा। फिर एक टाइम ऐसा आया जब मैं इधर उधर के रास्तों से जा रहा था, फिर बाद में मैंने एक पिग को देखा, एक और पिग को देखा, ऐसे करके मैंने सिर्फ दो पिगों को ही देखा। फिर उसके बाद इधर उधर मटोलने के बाद, पागल जैसी एक्टिंग करने के बाद मैं बढ़ा आगे, और मेरे को जब पता चला एंड में कि मेरा पांडू भग गया है, तो फिर मेरे को लगा, फिर उस बात के बाद मैंने सोचा कि चलो छोड़ो अब मैंने भी कर दिया सेव एंड क्विट। आज के इस ब्लॉग के अंदर हम लोगों ने माइनक्राफ्ट खेला, वीडियोस देखे, बट वो पता लगे मैंने सिर्फ और सिर्फ माइनक्राफ्ट की रिकॉर्डिंग किया है।
एंड फ्रेंड्स आज की इस ब्लॉग के अंदर जस्ट इतना ही। आई होप यू एंजॉय द ब्लॉग। इफ यू एंजॉय द ब्लॉग वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बजा दो बेल आइकन। तब हम मिलेंगे कौन दिन कौन ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।